वीक के ही सौदे हैं वो, उसका टाइम 20 दिन का है, 20 दिन बाद पेमेंट वापस मिलना है किसान को। अच्छा, कोई ऐसा नहीं के साथ 2 महीने की उधारी है या 1.5 महीने की उधारी है, ऐसा कोई 11 तक का या 11 से ऊपर का कोई सौदा नहीं है, 11 का कोई सौदा नहीं है अभी हाल फिलहाल। नहीं नहीं, एक मंडियों की डिमांड बनी हुई है, लेकिन आज अगर मार्केट, हम अपने यहाँ की मार्केट बात करें तो इन रेटों पर जो आलू की बिक्री हम करना चाह रहे हैं उस कंडीशन की मंडियों में डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, उस रेट के अकॉर्डिंग मंडियों में डिमांड नहीं है, नहीं है इतनी ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा हम सोच के चल रहे हैं। अच्छा, आपकी नजर में इससे ऊपर के कोई सौदे हैं? देखो, इससे ऊपर के सौदे कुछ उधारी में, 1-2 महीने की, 3 महीने की उधारी में तो सौदे हैं, ऊपर के उधारी में है, लेकिन करंट लोडिंग में ऐसा सौदा कोई नहीं दिख रहा है। मतलब अगर ऊपर में सौदे हैं तो फिर वो उनकी कंडीशन अलग है, अलग कंडीशन है, अलग कंडीशन है कि उधारी का भी और लोडिंग का भी अलग कंडीशन है, वो लोडिंग भी नहीं हो रहा है आज की तारीख में वो सौदे, तो फिर निकासी का मतलब ही क्या बना? वो कोई निकासी नहीं है, वो तो बस कहने वाली बात है कि हमने 1100 रुपए बेच दिया, कि हमने 1150 रुपए बेच दिया, मैं वही कह रहा हूँ, निकासी का मतलब ही क्या? वो निकासी नहीं है, निकासी तो वो है कि आज सौदा किया कल लोड हो जाए, कल हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, हाँ वो निकासी है। तो ये जो हमारे सौदे हैं ये सब के सब लोड हो रहे हैं साथ के साथ। तो मैं साथियों, अभी मैं खंदौली पर यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे ये मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर हूँ, और खंदौली क्षेत्र में काफ़ी कोल्ड स्टोरेज से जो है निकासी शुरू हो चुकी है, यहाँ भी ये निकासी शुरू हो चुकी है, अब 2 गाड़ियाँ हैं ये लगी हुई है, लोडिंग चल रही है। तो किस तरह की निकासी है, किस तरह के सौदे वगैरह हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे, जो भी यहाँ स्टाफ या जो ओनर वगैरह मिलते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या सौदे वगैरह हैं, किस तरह की निकासी है, क्या स्थितियाँ अभी बाजार की बनी हुई है, आप लोगों को और दिखा देता हूँ मैं निकासी किस तरह की अभी यहाँ पे चल रही है जो है। ये आप लोग देखोगे सैंपल वगैरह भी खुले पड़े हैं, और इधर से ये लगातार इस समय ये 2 गाड़ियाँ लगी हैं, तो लोडिंग भी चल रही है। कैसे सौदे हैं, किन रेटों के सौदे हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन रेट के सौदे हैं, किस तरह के सौदे हैं। मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज खंदौली से ये लोडिंग चल रही है, आप देखोगे अभी ये 2 गाड़ियों में लोडिंग चल रही है, और इसके अलावा एक गाड़ी और इधर ये खड़ी है लोडिंग के लिए। मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज से मेरे साथ अनूप भाई हैं, आप ओनर हैं। भैया बात करूं मैं तो, आपके क्षेत्र में ज़्यादातर जगह निकासी शुरुआत हो चुकी है, हो गई है, आपने कब से निकासी की शुरुआत कर दी थी? हमने निकासी की शुरुआत परसों से कर ली थी, परसों से। हाँ, तो पहले दिन करीब कितना आलू निकाला पैकेट? पहले दिन बात करूं, 1 गाड़ी आलू निकाला था, 1 गाड़ी। हाँ, और उसके बाद में अब तक की कितनी गाड़ियाँ निकल गई होंगी? उससे 25 तारीख को 1 गाड़ी, फिर 26 को 3 गाड़ी निकाली थी, 27 को 3 निकाली थी, और आज भी 3 निकल रही हैं, आज भी 3 निकल रही। आगे भी कंटिन्यूटी इस तरह से रहेगी आगे आने वाले? इस तरह से तो नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी तो उस बेस पर रहेगी कि किसानों की बिक्री के अनुसार रहेगी। अच्छा अच्छा, हाँ, किसान किस तरह की बिक्री करता? हाँ हाँ हाँ, इतना ज्यादा तो नहीं रहेगा, पर हाँ एक दो गाड़ी चलता रहेगा। अच्छा, मैं अगर निकासी की प्रॉपर अच्छे तरीके से निकासी की बात करूँ पूरे क्षेत्र से, अभी मैं समझता हूँ गिने चुने 10-12-15 कोल्ड होंगे ज्यादा निकासी, तो अगर अच्छे से निकासी कंटिन्यूटी करीब कितने दिनों बाद या किस डेट से आप मानते हैं ठीक ठाक स्थिति बन जाएगी? ऐसा है कि अच्छे से निकासी की बात तो सीधे सीधे इस बार मंडियों की डिमांड पर डिपेंड करती है। अगर मंडियों की डिमांड इसी तरह चलती रहेगी तो निकासी तो रेगुलर बन जाएगी। अब ये है कि अगले 10 दिन में और निकासी अच्छी हो जाएगी, और सभी कोल्ड स्टोरों से हो जाएगी निकासी, ऐसा कोई भी नहीं है कि निकासी कम हो, सब लोग अपनी अपनी कोशिश करेंगे, निकालेंगे माल। तो नहीं, डिमांड की बात करें तो मैं समझता हूँ जब से कच्चे की खुदाई शुरू हुई है तब से ही मंडियों की डिमांड तो बनी हुई है। मंडियों की डिमांड बनी हुई है, लेकिन आज अगर मार्केट, हम अपने यहाँ की मार्केट बात करें तो इन रेटों पर जो आलू की बिक्री हम करना चाह रहे हैं उस कंडीशन की मंडियों में डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, उस रेट के अकॉर्डिंग मंडियों में डिमांड नहीं है इतनी ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा हम सोच के चल रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपने ये बता रहे हो 5-6 गाड़ी की आपके यहाँ से निकासी हो गई, उसमें निचले इस तरह के सौदे क्या रहे और ऊपर इस तरह के सौदे क्या रहे? ऊपर तक कितने में रहा और नीचे क्या? निचले स्तर में तो हमने 1001 किया है। अच्छा, हाँ, पहली गाड़ी हमारी 1001 में निकली थी, बाकी ये है कल हमने 1061 में भी सौदा किया है, 1061 में, 1051 में है एक गाड़ी, एक गाड़ी 1025 में भी है, और ऊपर में मतलब 1061 तक हो गया सौदा। ये CPRI के आलू, VIP क्वालिटी वाले आलू के सौदे। अच्छा, आपकी नजर में इससे ऊपर के कोई सौदे हैं? देखो, इससे ऊपर के सौदे कुछ उधारी में, 1-2 महीने की, 3 महीने की उधारी में तो सौदे हैं, ऊपर के उधारी में है, लेकिन करंट लोडिंग में ऐसा सौदा कोई नहीं दिख रहा है।
जो आपने ये 1160 तक के सौदे करवाए हैं तो इनकी पेमेंट की कंडीशन क्या? करंट में, करंट में मतलब दो चार पांच दिन में पेमेंट है या 10-20 दिन में? हाँ हाँ, नहीं नहीं 10-20 दिन नहीं है, ये 15 दिन तक भी पेमेंट का टाइम है, 10 से 15 दिन में पेमेंट हो जाएंगे इनके। मतलब अगर ऊपर में सौदे हैं तो फिर वो उनकी कंडीशन अलग है? अलग कंडीशन है, अलग कंडीशन है कि उधारी का भी और लोडिंग का भी अलग कंडीशन है। वो लोडिंग भी नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में वो सौदे, तो फिर निकासी का मतलब ही क्या बना? वो कोई निकासी नहीं है, वो तो बस कहने वाली बात है कि हमने 1100 रुपए बेच दिया, कि हमने 1150 बेच दिया, कि मैं वही कह रहा हूं। तो फिर निकासी का मतलब ही क्या? वो निकासी नहीं है, निकासी तो वो है कि आज सौदा किया कल लोड हो जाए, कल हो जाए, दो दिन बाद हो जाए। हाँ हाँ, वो निकासी है। तो ये जो हमारे सौदे हैं ये सब के सब लोड हो रहे हैं साथ के साथ। तो मैं 1161 का हाईएस्ट सौदा मानूं अभी इस समय तक का अपने खंडौली क्षेत्र का? नहीं देखो, मेरे यहाँ करंट में आपकी नजर के हिसाब से मेरे यहाँ 1161 है। अब सुनने में ये आ रहा है कि 1050 तक की सुनने में आ रहे हैं। मैं 1050 तक का अभी मैं पीछे से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, 1050 तक के सौदे हैं। हाँ, और मेरे सामने 1031 में अभी सौदा हुआ है एक। हाँ, एक गाड़ी का। हाँ, 1031 में हुआ है। हाँ, और 1050 तक का मुझे जानकारी दी गई, 1050 तक के ऊपर में सौदे हैं। सही है, आप बता रहे हैं 1161 तक का आपने किया है, तो अब मेरी नजर में ऊपर हाईएस्ट सौदे 1161 तक के होगा। हाँ हाँ, ये मान सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अगर जानकारी में, जैसे आप बता रहे हो कुछ हुए हैं सौदे ऊपर, लेकिन उनकी वो कंडीशन अलग है, लोडिंग हुई भी है नहीं हुई पता नहीं। हाँ हाँ, पैसे कब मिलेंगे वो भी पता नहीं। नहीं नहीं, उनका टाइमिंग है। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 1161 में आपने 5 दिन 8 दिन का पेमेंट का सौदा किया है, ऐसे ही एक आध और सौदे हैं आपकी नजर में जो 1161 से ऊपर हो? मेरी नजर में तो मुझे कोई कहीं से रिपोर्ट नहीं मिली ऐसी, 1161 का ही हम मान के चले अभी। तो साथियों ये स्थिति है। अभी मैं खंडौली में मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज में हूँ वहाँ पर, और आसपास में भी एक आध और कोल्डों में गया मैं, जैसे अभी पीछे SD एग्रो में गया हूँ, RVP में अभी निकासी शुरू नहीं हुई। SD एग्रो में 1031 का सौदा अभी हुआ था, 1031 का वो सौदा हुआ है। तो इस तरह की यहाँ पर अभी सौदे हैं, ये सारे के सारे यहाँ के पैकेट के सौदे हैं। 52-300 किलो की तौल है, 52-300 तौल है। तो अगर कुंटल के हिसाब से आप देखोगे 2000-2100 प्लस के ये सौदे अभी इस समय करंट में ये निकासी के चल रहे हैं। तो लोडिंग ज्यादातर साउथ की चल रही है कि महाराष्ट्र? महाराष्ट्र और साउथ दोनों की लोडिंग है, दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भाई जी आपको, आपने हमें ये जानकारी दी, जो जो भी लोगों के मन में संशय थे वो स्पष्ट हुए। नहीं नहीं, अभी मैं आगरा हाथरस रोड पर RVP कोल्ड स्टोरेज में हूँ, और मेरे साथ में रिंकू भाई है। भैया अगर मैं बात करूँ तो अब लगता है कि मुझे इस संबंध में बात करना कि भाई कितना कोल्ड हो गया, क्या आमद आ रही है, क्या कहता है, इस संबंध में बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपके रोड पे जहाँ तक मेरी जानकारी है काफी सारे कोल्डों से निकासी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, लगभग सभी कोल्डों से चालू है। सभी कोल्डों से चालू है, कितना समय हो गया होगा इस निकासी को चालू हुए? निकासी समय तो खैर ज्यादा नहीं, अभी 2-3 दिन का ही हुआ है। 2-3 दिन मतलब? हाँ, होली के बाद से चालू हो गया। होली के बाद से चालू हो गई, तो अब जो इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही होंगी मतलब रखने के लिए, तो बिल्कुल ही खत्म होगा? नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं आने का, इक्का दुक्का अभी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। खत्म ही, संसावाद में थोड़ा बहुत बचा होगा तो बचा होगा। हाँ, संसावाद बचा, आपके क्षेत्र में तो पूरा खत्म ही है। खत्म है बिल्कुल। क्या स्थिति है निकासी, कैसी निकासी हो रही है, क्या रेट मिल रहा है लोगों को? निकासी ठीक है, क्योंकि व्यापारियों की डिमांड है, व्यापारी की डिमांड इसलिए कि मंडियों से डिमांड है। और आप अगर रेट की आकलन करें तो समझिए आप 850-1050 रुपए तक के ऑर्डर है, मतलब व्यापारी मांग रहे हैं पैकेट के। हाँ, पैकेट के। अच्छा, जो 52-300 का एवरेज चलता है वजन का, उस हिसाब से हाईएस्ट में 1050-1031 के नीचे में 850-900 रुपए का बाजार है ये बाजार। आपकी जानकारी में ये जो निकासी है तो व्यापारी ने जो आलू स्टॉक किया था वो निकल रहा है या किसान भी निकाल रहा है? देखिए, जो जहाँ तक है किसान ही निकाल रहा है अपना। अच्छा, अभी क्योंकि जिसने स्टॉक किया 800-900 रुपए वो तो भी नहीं निकाल रहा होगा, क्योंकि 800-900 रुपए का स्टॉक किया है तो वो निकालने में से कोई बेनिफिट नहीं है। किसान ने अगर रख लिया है उसका, अगर 1000 रुपए बिक रहा है तो भी उसका बेनिफिट है कि उसको 850 रुपए के 900 रुपए दाम मिल रहे हैं। नहीं तो जैसे जिस समय खुदाई चल रही थी उस समय भी ये दाम तो किसान को मिल रहे थे, तो किसान फिर 1000-1100 में क्यों निकालना चाहेगा? देखिए, अब निकालना तो नहीं चाहेगा, लेकिन मजबूरी कुछ करा देती है किसानों को भाई, किसी को बाकी भी देनी है, किसी को जरूरत के हिसाब से काम भी करना है अपना, कुछ और भी काम है, उसको लगा के खेत से बाजार और टाइट होगा, लेकिन वो 900 पे डिपेंड हो गया, तो फिर अब कोल्ड में से उन्होंने कहा चलो बेच लो, कोल्ड में से भी उसको ये रेट मिल रहा है। आप कैसे निकासी शुरू हुई? नहीं, अपने यहाँ से भी कोई निकासी नहीं है। कब तक आपके यहाँ से शुरुआत हो जाएगी? अभी इसमें लास्ट में 1-2 दिन में हो जाएगी चालू। 1-2 दिन में हो जाएगी? हाँ, कोई ना कोई बेच देंगे, कोई ना कोई निकल जाएगा। हाँ। ओवरऑल बात करूँ तो आपके ये खंडौली तक की स्टोरेज में जो इस साल स्टोर हुआ आलू, करीब क्या रेशियो रहा होगा?
सभी स्टोरों का आपके इस रोड में खंदौली तक के, मतलब टोटल लोड होने का, लोडिंग का नहीं भंडारण का, भंडारण का भंडारण आप समझे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग 80 के समथिंग बना है। कितना? 75-80 अप्रोक्स, 75-80% के आसपास अप्रोक्स बना है ये। अच्छा, इससे ऊपर का शायद नहीं लगता कि इससे ऊपर कुछ होगा। लास्ट 80 मानी। और जो सौदे हैं वो अभी इस समय निकासी के हजार से ऊपर तक के हो रहे हैं। हाँ, निकासी के 1000 के सौदे हैं और अभी के ही सौदे हैं वो, उसका टाइम 20 दिन का है, 20 दिन बाद पेमेंट वापस मिलना है किसान को। अच्छा, कोई ऐसा नहीं के साथ 2 महीने की उधारी है या 1.5 महीने की उधारी है, ऐसा कोई 11 तक का या 11 से ऊपर का कोई सौदा नहीं है? 11 का कोई सौदा नहीं है अभी हाल फिलहाल। नहीं नहीं, 1050 का लास्ट सौदा सुना है। साथियों, ये आरबीपी कोल से रिंकू भाई है, उन्होंने बताया कि करीब भंडारण की बात करें तो खंदौली तक की, आगरा से खंदौली तक जो स्टोरेज है उनका एवरेज निकालें तो करीब 75-80% के बीच में होगा। और जो अभी निकासियां चल रही हैं, ज्यादातर कोल्डों से बता रहे हैं निकासियां चल रही हैं, और जो निकासियां चल रही हैं तो 1050 तक के सौदे हैं। और बाकी और कोल्डों में भी चल के पता देखेंगे क्या स्थितियाँ हैं, किस तरह की सौदे वगैरह हैं और कैसी निकासी इस रोड पर अभी समय चल रही है।